सुल्तानपुर शहर के झक्करकटी बस अड्डे पर एक युवक की दबन गई का मामला सामने आया है, जो कि अपनी गुडी बस अड्डे पर अपना वर्चस्व कायम किए हुए है। इसी संबंध में एक पीड़िता सुरेमा प्रजापति ने अन्य दुकानदारों के साथ पुलिस कमिश्नर कार्यालय में पहुंचकर लिखित में शिकायत की है। पीड़िता ने बताया कि रजत राजपूत, जो कि दबन किस्म का व्यक्ति है, इसके रायपुरवा थाने में भी कई मुकदमे दर्ज हैं, एक बार जेल भी जा चुका है और अभी बाबूपुरवा थाने में FIR होने के बाद भी पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर रही है। महिला ने बताया कि उसकी बस अड्डे पर करीब 15 वर्षों से चाय पानी नाश्ता बेचकर अपना जीवन यापन करती है। रजत राजपूत उर्फ धर्मेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह उर्फ दीपक अपने कुछ गुर्गों के साथ में आता है और हमें डरा धमका कर पिछले कई वर्षों से वसूली करता है। वसूली न देने पर मारपीट करते हैं, जिसके खिलाफ हमने कई बार शिकायत करी लेकिन हमारी अभी तक सुनवाई नहीं हुई, इसलिए हमने आज पुलिस कमिश्नर के पास शिकायत की है, जहां जांच कर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया है। क्लिनिक बैठ गई है ना? सुरेमा, आज आप यहाँ क्यों आई हैं? यह एप्लीकेशन लेके आए थे। आपका क्या मामला? हमें रजत ने सता रहा, रजत जीने नहीं दे रहा। हम लोग छोटी मोटी दुकान लगाते हैं, पैसा मांगता, पैसा ना देने के नाते कट्टा लगाता है, कटपट्टी गंदी गंदी गालियां बकता है, कहता तुम लोग को जीने नहीं देंगे, उठवा लेंगे, किसी के लिए शिकायत लेके जाओगे तो उठवा लेंगे। हम लोग आज 4-6 साल से एकदम तंग आ गए, अपन जीवन ताक के हमने ये लोग कदम उठा लिया, एकदम संतोष कर लिया अपन जीवन। कौन रजत है, क्या करता है, क्यों आप लोगों को धमकी देता है? अरे वो गुंडा है, मांगता है पैसा, जबरदस्ती मांगता है पैसा, बताओ हम गरीब आदमी किसके लगेगा ये? हाँ, जूही थाना, बाबूपुरवा थाना, आज यहाँ पे लेके आए हैं, रेल बाजार भी थाना दिया है, मगर गिरफ्तारी उसका नहीं हो रहा। तो आज आप यहाँ आपने अपनी बात अधिकारी को बताई थी? हाँ बताया, तो इन्होंने जांच करे के बोल रहे हैं, हम जांच करेंगे।